CCN News. आप देख रहे हैं CCN News. शताब्दी नगर के पुनर्वास का मुद्दा कई वर्षों से लंबित पड़ा रहा. शताब्दी नगर के रहवासियों के पुनर्वास के इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कांबले, युवा मोर्चा अध्यक्ष सामू मैत्री के दखल और पत्र व्यवहार के बाद आने वाले 2 से 3 महीनों में सेक्टर 5 के इमारत क्रमांक 4-5 में स्थानांतरण करने की योजना माड़ा कर रही है. शताब्दी नगर के रहवासियों की दशकों से अपने विकास का सपना सच होते दिखा रहा है. आइए शताब्दी नगर के विकास की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कांबले और रहवासियों से इस संदर्भ में जानते हैं. यह हमारी सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है. ये इस प्रयासों के लिए धन्यवाद. प्रयासों के लिए हमें बहुत खुशी मनाने का ये समय है और शांति से भी चलने का समय है कि हम लोगों को ये दिन जो मौका मिला है, हमें जो ये हमारे प्रयासों को जो ये सफलता मिली है, उस चीज़ के लिए मैं भाड़ा के और डीआरपी के दोनों प्रमुखों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने हमारे लेटर को, जिन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया, उस चीज़ को हरी झंडी दिखा दी. मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जब तक यहाँ के लोगों को शिफ्टिंग नहीं होगा तब तक सामू मैत्रे जी, विनोद कांबले जी, हमारे धारावी मंडल संयोजक गोवर्धन जी हो, कोई भी हो, आप सबके लिए प्रयास मरते दम तक करते रहेंगे. ये हमारा वचन है. हम आपके लिए लड़ते रहेंगे लेकिन आपका जो हमारा हमको जब सहयोग लगेगा उस सहयोग के समय पे आपको आना, ये मैंने पहले भी कहा था और आगे भी आना पड़ेगा. ये महीने भर का अभी काम बाकी है. मेरे ख्याल से जितना मैं सोच रहा हूँ, मैं जहाँ पे मेरी भागदौड़ जो चालू है मुझे समझ में आता है, तो एक महीने भर के अंदर ये काम पूरा होने वाला है. इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इस सफलता का जो ये पूरा हुआ जो बोलते हैं हम लोग, ये उसका जीवंत उदाहरण है. लेटर है जे मैं म्हटलं होतं की लिखित हे लेटर काढा आणि आमच्या लोकांना तुम्ही स्वस्थ करा की बाबा फक्त बोलून चालणार नाही तर लिहून आम्ही तुम्हाला ही बिल्डिंग हँडओव्हर करतोय. येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही तिथल्या शताब्दी नगरच्या लोकांना हे स्थलांतर तुम्ही करू शकता. धन्यवाद. इस बारे में जो प्रयास हमारा हो रहा है ये खुशी भी है, इजहार करना भी जरूरी है, आप लोगों के माध्यम से भी इजहार होना चाहिए. तो मैं आप ही के बीच के हमारे धारावी के ज्येष्ठ समाज सेवक, आप सबसे परिचित श्री अशफाक भाई से मैं बात करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो भी इस प्रयासों के बारे में, इस सफलता के बारे में 2 शब्द जनता से बात करें. बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी नगर के लोग नाली कीड़ा बिल्ली चूहा चोर आज भी लोग घर पर चोरी हुआ है, हमारे गोडाउन में भी चोरी हुआ है, इसका कोई पुरसा हाल नहीं. कब पुलिस से कंप्लेन करो, पुलिस आती है देख के भाग जाते हैं. जब भी कंप्लेन करो पुलिस जाते हो, सामने भी घर गिरा हुआ है कोई उसका हल नहीं. बाजू में घर पात्र है, 2 घर नहीं पात्र है, वो घर गिर गए, उसके लोग दब दब के मर रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है. पहाड़ा को हम लोग एक दिन ऐसा करो, पूरे डॉक्टर बाबू साहब अम्बेडकर शताब्दी नगर के रहवासी लोग सब लोग पहाड़ा में मूर्छा लो कि हम कहाँ जाएँ, जाए तो नहीं तो रोड जाम कर दो, ट्रेन जाम कर दो, तो ही पुरसा हाल होगा, इसके बाद पुरसा हाल नहीं हुआ. जय हिंद, जय भारत. प्यास लग रहे हैं कि अभी दिल्ली दूर नहीं है, अभी दिल्ली बहुत नज़दीक है, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत लगेगी कि नहीं अभी हमको आंदोलन करना पड़ेगा, रास्ता रोकना पड़ेगा, उस वक्त अशफाक भाई, मैं और हमारे पूरा परिवार आपके साथ में मिलकर हम लोग माड़ा पे इतना बड़ा मोर्चा लेके चले जाएंगे. वहाँ पर अगर हमें आमरण उपोषण करना पड़ेगा आपके लिए तो भी हम लोग करने के लिए तैयार है. ये हमारा वचन. इसी बात पर हमारे बीच उपस्थित धारावी मंडल संयोजक श्री भारतीय जनता पार्टी के धारा विधानसभा अध्यक्ष श्री गोवर्धन चौहान जी, ये आपके सामने अपनी बात रखेंगे.
श्री गोवर्धन चौहान, अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो उनकी जानकारी देना चाहिए, काम कौन करे और श्रेय कौन लेके जाता है, ऐसा बहुत बार राजनीति में होता है, तो अपने काम का हिसाब और भी खुशी के हिसाब से हमारे माननीय विनोद भाई भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के धारावी के अध्यक्ष है, हमारे श्यामू भाई कुशवा के अध्यक्ष है और इसे सामाजिक कार्य में रुचि लेते हैं अशफाक भाई वगैरह और आप सभी लोग, और अच्छा खुशी का लिखित रूप से अपने को अभी एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है कि डीआरपी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ऑफिस और उनका जो चीफ ऑफिसर है उनके पास केरोसिन मिल गया है, अभी उनके पाले में अपना ऐसा पोल फेंका है, उससे काम करना है। उसके पहले पानी और बिजली का भी अनेक प्रकार की समस्या रहती है, इसी गवर्नमेंट को तुरंत कोने उठाई रहते हैं, लेटर लिखता है पड़ा रहता है, टेबल से टेबल जाते रहता है, तो इसके बारे में बताओ इसके बारे में बताओ। नमस्कार, मी विनोद कांबळे, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चा अध्यक्ष धारावी विधानसभा। आज या ठिकाणी आम्ही एक तत्काळ मीटिंग जाहीर केली होती, याचं कारण हे होतं की गेल्या 3-4 महिन्यापासून आम्ही शताब्दी नगरचा हा राहिलेला जो भाग आहे, भूखंड आहे, इथल्या झोपडपट्टीवासियांना पात्र करून EMGB कॉलनीमध्ये ज्या 2 बिल्डिंग तयार आहेत त्याच्यामध्ये शिफ्ट करण्याकरता आम्ही प्रयत्न करत होतो, परंतु अजूनपर्यंत म्हाडा प्रशासनाने जवळजवळ 7 वर्षे झाले होते या गोष्टीला त्यांनी मान्यता दिली नव्हती, ती मान्यता आता त्यांनी आम्हाला 3 महिन्यापूर्वी OC दिली त्या बिल्डिंगला, आणि आता फक्त प्रश्न राहिला होता म्हाडाने म्हाडाकडून BRPला हँडओव्हर मिळण्यासाठी विषय पेंडिंग होता, तो हँडओव्हरसाठी जो विषय चालू होता त्यासाठी आम्ही धडपड करत होतो। म्हाडाचं एक म्हणणं होतं की ह्या ज्या 5 बिल्डिंग PMGB कॉलनीमध्ये बांधलेल्या आहेत त्या बिल्डिंगचा खर्च जवळजवळ 642 करोड रुपये आहे, तो खर्च आम्हाला DRPने द्यावा, आम्ही ताबडतोब यांना हँडओव्हर करतो। इथे येऊन विषय थांबल्यानंतर मी आणि श्यामू मेत्रे हे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत धारा विधानसभाचे भारतीय जनता पार्टी, आम्ही दोघांनी मिळून प्रयत्न परत चालू केला आणि म्हाडाचे जे उपाध्यक्ष आहेत VP ज्यांना आपण म्हणतो, व्हाईस प्रेसिडेंट, त्यांना जाऊन भेटलो जयस्वाल साहेबांना आणि त्यांना सांगितलं की DRP आणि म्हाडा तुम्ही दोघी सरकारी संस्था आहात, तर तुम्ही तुमच्या इंटरनल गोष्टीमुळे इथल्या झोपडपट्टीवासियांना कशाला प्रॉब्लेममध्ये आणता, म्हणून आम्ही त्यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडला की तुम्ही हे पैशाचं जो देवाणघेवाण आहे हे तुम्ही नंतर करत राहा, तत्काळ तुम्ही ताबडतोब शिफ्टिंगसाठी ऑर्डर एक जारी करा जेणेकरून DRP ताबडतोब इथल्या लोकांना शिफ्टिंग देईल। तर त्यांनी हो म्हटल्यानंतर मी म्हटलं फक्त हो म्हणून चालणार नाही, आम्हाला ही गोष्ट लिखित पाहिजे, तर त्यांनी आज ही गोष्ट लिखित तयार केलेली आहे, मी आपल्यासमोर ही दाखवू इच्छितो। ही गोष्ट त्यांनी लिहून DRPला कळवलेलं आहे की ह्या बिल्डिंगचा ताबा आम्ही तुम्हाला देतो, ह्याच्या पुढचं जे काही असेल कारवाई शताब्दीनगरसाठी जे तुम्हाला स्थलांतरित करायचं आहे ते तुम्ही करू शकता, अशा प्रकारचं ह्याच्यामध्ये त्यांनी आपलं म्हणणं मांडलेलं आहे। आता येणाऱ्या काही दिवसामध्ये DRPच्या माध्यमातून शताब्दीनगरच्या उरलेल्या पात्र आणि अपात्र झोपडीधारकांना तिथे आम्ही शिफ्टिंग करण्यासाठी आमचा प्रयत्न चालू राहणार आहे, येणाऱ्या काही दिवसामध्ये यांचं जे शिफ्टिंगचा जो कार्यक्रम आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं आणि इथल्या स्थानिक नागरिकांच्या वतीनं या समाजसेवकांच्या वतीनं आपण इथे राबवणार आहोत। एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो, धन्यवाद। दुकान के बदले दुकान देना चाहिए, घर के बदले घर देना चाहिए, और यहाँ के रहवासियों को अगर नहीं देंगे हम रोड पे उतर के आंदोलन करेंगे, और नहीं देंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत।